कोई भी कार्यक्रम होता है उसका परिणाम जरूर निकलना चाहिए। आज अगर हम इतिहास में पहली बार हिमाचल के एनएसओ के अंदर, जितना मेरा भी करियर रहा है, भाइयों की ठाकुर जी बैठे हैं और सभी एनएसओ के साथीगण बैठे हैं, मेरा भी इतिहास जितना मैंने एनएसओ के अंदर बताया है, कभी भी किसी ने तिरंगे को या झंडे दिवस के रूप में कॉलेज में तो नहीं मनाया। आज पहली बार इतिहास में मैं आप सभी को आगाह करना चाहता हूँ, आप इतिहास का गवाह बनने जा रहे हैं। ये आने वाले समय में याद किया जाएगा कि एनएसओ के इस 2019 के सत्र में पहली बार एनएसयूआई ने नहान महाविद्यालय के अंदर झंडा दिवस मनाया था। लेकिन बदले में मैं सिर्फ दो चीजें चाहता हूँ, आज सिर्फ लड़कों से चाहता हूँ, दूसरी बार आऊँ तो लड़कियों से भी कुछ मांग के जाऊंगा। मैं सिर्फ इतनी सी डिमांड आपसे करना चाहता हूँ दोस्तों, एक वादा करके जाओ, दो चीजें जिंदगी में आपने जरूर करनी है। पहली बात, करोगे या नहीं करेंगे ना, जितने बॉयज एनएसओ से जुड़े हैं, विचार नारों की बात होती रहेगी, हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे, इस देश के सम्मान के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे, तिरंगे के सम्मान के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दो बातें जरूर आप आज वादा करके जाओ, जीवन में कभी नशा नहीं करना है, कभी नशा नहीं करना है, एक वादा मेरे से। लेकिन आप दूसरी चीज, दूसरी बात जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, लड़कियों का सम्मान करना सीखो। अगर ये मुझे रिटर्न गिफ्ट आप दे दोगे, जितना मैंने समय दिया है, शायद आने वाले समय में एनएसओ को समय ना दे पाऊं, लेकिन जितना मैंने समय दिया है, मैं रिटर्न गिफ्ट ये चाहता हूं कि आप दो चीजें जिंदगी में जरूर करो, नशा ना करो और लड़कियों का सम्मान करो। ऐसा किस लिए बोल रहा हूं, एक छोटी सी कहानी, शायद समय हो रहा है लेकिन कहानी सुनाता हूं छोटी सी। एक गांव में बुढ़िया होती है, उसका पोता होता है, शरारती होता है और वो गुड़ बहुत खाता है, तो बुढ़िया परेशान हो जाती है, मेरा पोता गुड़ बड़ा खाता है, किसी तरह से इसका गुड़ सुनाओ। तो गांव में जैसे होता है, बातें करती है, वहां ले जाओ, वो करो, ऐसा करो, तो भी करती है बेचारी, बड़े जतन करती है, बेटा गुड़ नहीं छोड़ता है, पोता गुड़ नहीं छोड़ता है। तो क्या होता है कि किसी ने कहा कि उधर पर्वत पर जाकर एक बाबा रहते हैं, उनके पास जाइए, वो गुड़ छुड़ाते हैं बड़े अच्छे से। तो बुढ़िया गई बड़ी मुश्किल से, वो चढ़ाई चढ़ के पर्वत पर पहुंची और बाबा वहां धुने में बैठे थे। बाबा से कहा मेरी ये कर्ज है, जरा कबूल करें। तो बाबा ने कहा मैं माता बैठो, मैं देखता हूँ। तो पूछा माता जी क्यों आए हो, क्या क्या खबर है, क्या चाहते हो? तो माता ने कहा मेरा पोता गुड़ बड़ा खाता है। तो बाबा देखे पोते को और माता को, अच्छा बेटा गुड़ खाते हो? कहते हाँ जी गुड़ खाता हूँ। कहते अगले वीक आना, अगले सप्ते संडे को आना, फिर मैं बैठूंगा तो मैं गुड़ छुड़ाऊंगा। तो दूसरे वीक आती है, माता बड़ी मुश्किल से, बुजुर्ग होती है, बड़ी मुश्किल से पहुंचती है, बाबा ये बेटा पोता मेरा आज भी गुड़ नहीं छोड़ा, कुछ बताइए। तो बाबा कहते हैं बेटा गुड़ नहीं खाना है, गुड़ नहीं खाना है। अब बोलता है कि चले जाइए। तो माता कहती है अगर इतनी सी बात बोली थी कि गुड़ नहीं खाना है, पिछले बीक बोल देते, मुझे इस बार तो नहीं आना होता। तो बाबा कहता है पिछले बार मैं भी गुड़ खाता था, मैंने 7 दिन छोड़ के देखा है, तो ये भी छोड़ सकता है। अगर हम छोड़ सकते हैं तो आप भी छोड़ सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हम भी शरारती थे, हम भी शायद इसी, हमारा जीवन भी ऐसे सत्र से गुजरा है जैसे आपका गुजरा है। इस जगह से हम होकर निकले हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम नशा नहीं कर सकते, हम गर्ल्स को, गर्ल्स का सम्मान कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं वही जो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर है, वही सॉफ्टवेयर आपके अंदर भी डल रहा है, तो आपका सॉफ्टवेयर भी काम करेगा। तो मैं चाहता हूं कि ये दो बातें, ये दो चीजें आप जरूर इस्तेमाल करें और इस बात को माने। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की प्रगति में आप अपने जीवन का अहम समय दे रहे हैं, इसका रिटर्न गिफ्ट आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि समाज में, दुनिया में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो जानवरों से अलग है। तो आपने जानवरों वाली जिंदगी नहीं जीनी है, मनुष्य वाली जिंदगी जीनी है। और जो अपने लिए जीता है वो जानवर होता है, और जो समाज के लिए जीता है वही मनुष्य होता है। इसीलिए मनुष्य की जिंदगी जीनी है। अंत में जय हिंद, जय नेश्वरी, जय भारत।